नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अंचलाधिकारी भगवानपुर द्वारा भगवानपुर बाजार में किए गए 5 दुकान सील। लगातार लॉकडाउन नियमावली उल्लंघन का मामला भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से आ रहे थे। इसी क्रम में आज 17 मई 2021 को अंचलाधिकारी भगवानपुर एवं थाना अध्यक्ष भगवानपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सुबह के 10 बजे भगवानपुर अड्डा चौक से होते हुए स्टेशन चौक के बीच में पैदल मार्च करते हुए लॉकडाउन नियमावली उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को सबक सिखाते हुए 5 दुकानें सील की गई, जिसमें एक चश्मे की दुकान वैशाली आई केयर, 2 कपड़े की दुकान मेंस गार्मेंट मेला चौक एवं अभिषेक वस्त्रालय मेला चौक, 1 श्रृंगार की दुकान एवं 1 जूते चप्पल की दुकान भगवानपुर पूर्वी बाजार को सील किया गया। इस सील करने के दौरान अंचलाधिकारी भगवानपुर ने बताया कि इन दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन नियमावली में बिना इजाजत के दुकान खोलने के कारण 72 घंटे के लिए सील किया गया है। इस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि कुल 5 दुकान आज सील किए गए हैं, जिसमें 2 दुकान पर FIR दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट कमलेश किशोर, वैशाली, बिहार। सर ये जो दुकान अभी सील किया गया है, ये सर किस वजह से सील किया गया इनका? ये दुकान खुला हुआ है सरकार का निर्देशानुसार, इसको बंद रहना चाहिए था, इसी के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। कितने देर के लिए ये? 72 घंटा के लिए ये बंद सील हो रहा है। 72 घंटा के लिए सील किया गया है। चश्मा का दुकान है क्या? इस दुकानदार का नाम क्या हो गया?